क्या कहना चाहेंगे आज हनुमान किशोर सुधर इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से दिन भर का प्रोग्राम चले तो क्या शेड्यूल था और क्या चले थे? सुधर इंटरनेशनल स्कूल का ये वार्षिक महोत्सव आज तीन भागों में अलग अलग रूप से किया गया और इसमें हम तीनों भागों में हनुमान की शौर्य गाथा ही हमने बताई है। पहले भाग में हमने हनुमान श्री राम जी का जन्म और हनुमान जी का जन्म किस तरह से हुआ और कैसे हनुमान और वीर हनुमान और राम का मिलन हुआ और किस तरह से उन्होंने शिक्षा पाई गुरुकुल में इसके बारे में विवरण दिया गया। उसके साथ साथ हमने बच्चों के डांस प्रोग्राम्स भी दिखाए क्योंकि हमारे स्कूल का ये आयोजन होता है कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। दूसरे सेगमेंट में हनुमान की वीर गाथा में हमने दिखाया कि कैकेयी और मंथरा का संवाद था, राम और दशरथ का संवाद, कैकेयी और दशरथ का संवाद था और इसके द्वारा हम यही बताना चाहते हैं आज की पीढ़ी को कि हनुमान आज भी हैं हमारे हर रूप में, हर मनुष्य के रूप में हनुमान को हम देख सकते हैं और हनुमान की वीर गाथा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हनुमान से हमें बहुत ज़्यादा ये जोश प्राप्त होता है और जिस तरह से हम अपने बच्चों को आज की शिक्षा दे रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है आने वाले समय में फिर से एक बार रामराज्य आने ही वाला है। और तीसरा सेगमेंट जो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम रावण और राम के संवाद को दिखाएंगे, किस तरह से राम अपने धैर्य को नहीं खोते हैं, किस तरह रावण अपने अहंकार के में पूरी तरह से चूर है और अंत में राम की ही विजय होती है, राम वापस अयोध्या वापस आते हैं और हम पूरे अयोध्या में दीप जलाए जाते हैं और दिवाली मनाई जाती है। शौर्य गाथा के प्रोग्राम में कौन से क्लास के बच्चे ने भाग लिया? पूरी शौर्य गाथा में पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, पूरे सभी बच्चों को मौका मिला पार्टिसिपेट करने का और सभी विद्यार्थियों के साथ साथ सभी हमारे टीचर्स ने पीछे से बच्चों को तैयार किया। साथ साथ में हमने हमारे कोरियोग्राफर थे, हमारी एडमिन टीम और एडमिन टीम के साथ साथ हमारी मैनेजमेंट ने हमें पूरा सपोर्ट किया और ये हनुमान की शौर्य गाथा शौर्य के रूप में पूरे समाज में प्रचलित होती रहे, यही हमारी शुभकामना है। यह कार्यक्रम आयोजित करने के साथ जो स्टूडेंट देवी के फैमिली का या घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है सर? हमारे अभिभावकों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, आप देख सकते हो पूरी तरह से हमें अभिभावकों ने अपना पूरी तरह से अपने परिवारों के साथ आए हुए हैं अपने बच्चों का जोश देखने के लिए उनकी आज की जो कार्यक्रम को जिन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया उनके माता पिता बहुत ही खुश हैं क्योंकि इसके साथ साथ हमने पूरे वर्ष के ये बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी हुई और बच्चों को प्राइजेस दिए गए जो डिसिप्लिन चाइल्ड ऑफ द ईयर, स्टार स्टूडेंट ऑफ द ईयर और इस ऐसे कई तरह की अवार्ड की सेरेमनी थी, बेस्ट डांसर, बेस्ट म्यूजिशियन, इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में बच्चों को अवार्ड दिए गए जिसके कारण बच्चे बहुत खुश थे और उनके माता पिता भी बहुत खुश थे क्योंकि उनका उत्साह वर्धन होता है जब हम बच्चों को प्राइजेस देते हैं, जब उनको पुरस्कार मिलता है तो उनका भी उत्साह बढ़ता है और ये उत्साह आने वाले समय में उनके लिए आगे सीढ़ी में बढ़ने के लिए उनको बहुत उत्साहित करता है। हनुमान की शौर्य गाथा के माध्यम से आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हनुमान जी की शौर्य गाथा के माध्यम से हम पूरे समाज में यही संदेश देना चाहते हैं कि हनुमान जो है हमारे पौराणिक कथाओं में एक ऐसी कथा है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे बच्चों को हम निडर बना सकते हैं, उत्साह पैदा कर सकते हैं। जो ताकत, जो बल हनुमान में था हमारे बच्चों में भी मानसिक और शारीरिक रूप से वो बल होना चाहिए, बच्चे हमारे स्वस्थ रहें हनुमान की तरह, जिस तरह हनुमान ने अपने माता पिता का आज्ञाकारी होकर हनुमान जी की पूरी जीवन भर उनकी सेवा की, उसी तरह से हमारे बच्चे भी आने वाले समय में या गुरुजन हो या अपने माता पिता हो सबकी अच्छी तरह से सेवा करें और समाज में ऐसा नमूना पैदा करें कि उन्हें हमारे स्टूडेंट कहने पे हमें गर्व हो। आने वाले समय में आप अपने स्टूडेंट के लिए अयोध्या की ट्रिप आयोजित करने वाले हो क्या? नहीं, बिल्कुल, हम अपने आने वाले समय में ऐसे ही और पौराणिक कथाओं पर हमारे बच्चों के लिए हम कार्यक्रम करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि जब भी ऐसा मौका मिले हम ऐसे ही कार्यक्रम बच्चों के लिए प्रस्तुत करें ताकि समाज में ये अच्छाई फैलती रहे, अच्छाई की विजय हो।
आने वाले समय में संविधान के ऊपर बात कर बच्चे को लोगों को कोई पाठ देने वाले हैं? हाँ, आने वाले समय में भारतीय संविधान के ऊपर भी हम अपने विद्यालय में ऐसे आयोजन करते रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में संविधान के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं कि भारत का संविधान ऐसा संविधान है जो विश्व चर्चित है, विश्व में जिसकी गाथा वीर भर में गाई जाती है। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान का निर्माण किया, वो संविधान में और भी ज़्यादा लोगों के तक पहुंचाया जा चुके हैं, और बच्चे इस संविधान को अपना कर गर्व महसूस करें कि दो भारत के नागरिक हैं। अशाच काही नवीन बातम्यांच्या अपडेट्ससाठी आपण पाहत रहा रिपब्लिकन आवाज न्यूज।